चीन में तूफान का तांडव, तूफान के आगे बेबस चीन, चीन में लोकीमा ने मार डाला। ये कुदरत की ताकत है, ये तूफान लेकिमा का तांडव है। चारों तरफ सैलाब, समंदर में उठती ऊंची लहरें, ये तस्वीरें लेकिमा की ताकत को बयां कर रही हैं। चीन में सुपर टाइफून लेकिमा ने दस्तक दे दी है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक हैं। तूफान की वजह से करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। 187 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चलती तेज हवाएं की वजह से अनहुई, फुजियान, जियांगशु और झेजियांग प्रांतों और शंघाई म्यूनिसिपैलिटी में भारी बारिश होने की आशंका है। शुक्रवार दोपहर को झेजियांग प्रांत के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए कि बीच सैलाब में कार बुरी तरह फंस गई, लेकिन गनीमत रही वक्त रहते कार में मौजूद एक शख्स को बचा लिया गया। इस तूफान की तबाही के आगे चीन बेबस नजर आ रहा है। तूफान से चीन में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि सुबह 8 बजे साल का यह नौवां तूफान झेजियांग के वेलिंग के दक्षिण पूर्व में 290 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसमें हवा की रफ्तार 209 किलोमीटर प्रति घंटे थी।